अनलिमिटेड आवर मिल सकते हैं। गूगल मैप का यूज ना असली यहाँ पे ही है। अकोमोडेशन कैसे ढूंढा जाए, बहुत स्कैम चल रहे हैं। ज्यादा पैसे वाली पार्टी हो। तो भैया सुबह के बज रहे हैं 6:25 और अपना नाश्ता तैयार कर रहा हूँ मैं। क्या सेक रहा हूँ आज? आज सेक रहा हूँ पाव भाजी। यही बना के ले जाएंगे और जाना है काम पे, ठीक है। तो अभी मेरे को 7 ट्रेन पकड़ने यहाँ से, मैं जाता हूँ मॉन्क्स टाउन, ठीक है। मॉन्क्स टाउन मेरे यहाँ से W15 से अप्रोक्स 1 घंटे का रास्ता है, ठीक है। तो जो लोग पूछते हैं कि कॉलेज के आसपास कहाँ पे घर लें, क्या करें, वो लें, तो कहीं भी ले लो। देखो यार, कॉलेज हो कहीं भी हो, ठीक है, इस टॉपिक पे ही बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आ नहीं पा रही सबसे बड़ी बात, तो मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। तो अभी चलेंगे काम पे, उसके बाद आपको बताएंगे। रास्ते में मेरे को ग्रोसरी भी लानी है, इंडियन ग्रोसरी, तो उसका भी थोड़ा बहुत बता देंगे अगर टाइम मिला तो, घर ला के बता दूंगा नहीं तो। चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लो, वीडियो ज़्यादा आ नहीं रही है। बट जो भी क्वेरी आपकी हो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, सबको रिप्लाई करता हूँ, वहाँ मैं फुल एक्टिव होता हूँ। बाकी मिलते हैं बाहर पहुँच के, अभी मैं खाना वाना बना रहा हूँ, लेट हो जाऊँगा थोड़ा, ठीक है चलो। और अगर आप भाई गार्लिक ब्रेड के शौकीन हो, मैं शौकीन नहीं हूँ बट सुबह सुबह चाय वाय के साथ खाने मजा आता है, तो ये 9 गार्लिक ब्रेड की स्लाइस आती है, फ्रोजन होती है। आप तवे में भी सेक सकते हो या फिर आप ये ओवन वगैरह में भी सेक सकते हो। तो ये इसका जो देखो एक्सपायरी है वो है 27, और आज है कितनी, आज मैं तारीख भूल गया, आज मे बी 19 तारीख है। तो 19 6 तो मतलब 7-8 दिन चल जाते हैं, और आप इनको खा सकते हो। और 2 यूरो या 1 यूरो समथिंग का आता है, ओनली से डंस में भी अवेलेबल होते हैं, टेस्को में मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो काम आते हैं यहाँ पे सुबह के टाइम, मतलब नाश्ते में कुछ खाने को नहीं मिलता, तो आप ऐसी चीज़ें फ्रोजन ला के रख सकते हो। और बाकी बाल भी कटवाने तो वो भी आपको बताएंगे आज। और भाई पिछले 1-2 हफ्ते से ना यहाँ का मौसम आप देख सकते हो, धूप कितनी प्यारी निकल रही है, ठीक है। तो ये पिछले दो हफ्तों से यहाँ पे मौसम चल रहा है, मतलब मैंने पहली बार देखा कि ऐसा मौसम, और गाड़ी देखो यार ऐसा मौसम यहाँ पे आयरलैंड में, मतलब 1 महीने से बारिश नहीं हुई थी बीच में थोड़ी बहुत। पूरी सोसाइटी, और मेरे को जाना है स्टेशन, वो राइट में है मेरे। तो भाई जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे ना कोई ड्रेसिंग कोड वगैरह नहीं है, तो मैं ऐसी नॉर्मल लोअर टी शर्ट में जाता हूँ। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको ना, अपना दिन पहले प्लान करना पड़ता है। तो मेरी ट्रेन होती है 7, तो मेरे को मतलब 7 स्टेशन पर पहुँचना होता है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे बहुत ही रेयर चांस है 5-10 लेट हो जाती है, लेकिन मेरे को बहुत कम मिलती है मेरे वाले रूट पे। तो बाकी होती है ट्रेन वगैरह लेट जाती है कभी कभार, बट आपको हर चीज़ में पहले से प्री डिफाइंड करनी है। तो गूगल मैप का यूज़ ना असली यहाँ पे ही है, तब मैंने इंडिया में भी नहीं करा, क्योंकि पहले सारा प्लान करना पड़ता है। तो ये अपन पहुँच चुके हैं स्टेशन, और खाली रहता है मोस्टली, मतलब आएंगे भी 10-15 लोग। और ये है हमारा कौन सा पैलेस टाउन, एस टाउन इससे आ गया है। कुछ बात करने वाला था, मेरे को याद ही नहीं आ रही अब क्या बात थी वो, चलो बाद में जब याद आएगी तब बात करते हैं। तो ये है भाई अपन का ऑफिस स्पेस, और यहाँ पे मेरा है काम, और अभी मैं आया हूँ पार्किंग में, थोड़ी बात करते हैं आप लोगों से। तो भैया काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि यहाँ आने के बाद अकोमोडेशन कैसे ढूंढा जाए, मैं इतनी बार बता चुका हूँ, लेकिन आपको ना सारी वीडियो देखनी नहीं होती, एक आध वीडियो देख के आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो। तो देखो भाई, एक तो इंडिया से बैठ के मत ढूंढो अकोमोडेशन, क्योंकि इतने जो यहाँ पे स्कैम चल रहे हैं ना, बहुत स्कैम चल रहे हैं, आप तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पैसे उड़ गए और आप खामोखा में परेशान हो गए फिर यहाँ के। सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पे, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उसको बोलो कि आपको कुछ दिन अपने साथ रख ले, नहीं तो भैया कोई हॉस्टल बुक कर लो या फिर कोई होटल बुक कर लो, ठीक है। 3-4 जने मिलके अपना हॉस्टल या होटल बुक कर लो, उसके हिसाब से फिर आप मतलब वहाँ पे 1-2 हफ्ते की बुकिंग लेके चलना। फिर यहाँ आके एक ग्रुप है फेसबुक का, इंडियंस इन आयरलैंड, ठीक है, लिंक मत मांगना उससे, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं नहीं डाल पाऊंगा। तो सर्च करोगे ना, एक ही ग्रुप है इंडियंस इन आयरलैंड, वहाँ पे बहुत अपडेट आती है फ्लैट्स को लेके। अगर टेम्प्रेरी मिल रहा है टेम्प्रेरी ले लो, अगर आप परमानेंट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा वो होता है कि कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि भैया मुझे सिर्फ NCI के पास चाहिए, मुझे ट्रिनिटी के पास चाहिए, मुझे UCD के पास चाहिए, तो कॉलेज के आसपास देखोगे कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा ही अच्छी किस्मत है तब जाके आपको कॉलेज के आसपास मिल जाएगा, बट अगर आपको मतलब यहाँ पे सर्वाइव करना स्टार्टिंग के डेज में, तो जहाँ पे भी मिल रहा है टेम्प्रेरी मिल रहा है वहाँ ले लो। बट ऐसे जिद करोगे ना कि मुझे यहीं लेना है, या तो फिर भैया आप ज़्यादा पैसे वाली पार्टी हो, क्योंकि उस केस में आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन मिल जाएगी, प्राइवेट जो अकोमोडेशन है वो मिल जाएंगी। उसके बाद आपको बता, उसके बाद आपका एक चीज होती है क्या कि हम यहाँ आके कितने घंटे काम कर सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो में सब कुछ इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी होती। तो कितने घंटे काम कर सकते हो, जो लीगल है वो है 20 आवर्स, ठीक है, जो कि कागजों में लिखा हुआ है। बट जब आप जॉब करते हो तो आपका मैनेजर आपको खुद बुलाता है, लेकिन कुछ ऐसे आउटलेट हैं जो मैंने सुना है, डंस हो गया, मैकडी हो गया,
और भी डोमिनोज हो गया, वो आपको ज़्यादा काम नहीं देते, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 घंटे दे देंगे। लेकिन कुछ आउटलेट ऐसे हैं जैसे कि सबवे हो गया, मैंने खुद करी थी सबवे में, सिक्योरिटी हो गई, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड आवर मिल सकते हैं अगर आप चाहो तो, आपका मैनेजर अच्छा हो तो, ठीक है। तो 20 आवर वाला रूल जो है वो सिर्फ कागजों में है। इसके अलावा कुछ और बात होगी तो मैं बाद में करता हूँ, अभी थोड़ा ब्रेक पे हूँ, थोड़ा मैं भी एंजॉय कर लूँ अपना ब्रेक, बाकी मिलते हैं आपको, ठीक है। तो भैया अपनी छुट्टी हो चुकी है और ये है मॉन्क्स टाउन स्टेशन, और सामने देखोगे ना सामने समुंदर है, पता नहीं इसमें नजर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, दिखाता हूँ आपको जूम करके, जरा मैं स्कूटर स्टैंड पे लगा दूँ, अब देखो यहाँ से दिखाता हूँ। और वो जो सामने आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, वो जो टॉप हो रहा, वो जो आपको आइलैंड दिख रहा है वो है हाउथ जो भी है, और ये मॉन्क्स टाउन का खूबसूरत स्टेशन है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो भाई अपना प्लान कैंसिल हो चुका है बाल कटवाने का, क्योंकि ऊपर देख सकते हो बादल हो रहे हैं और मैं नहीं चाहता मैं भीग जाऊं, क्योंकि आज मैं अपना रेनकोट नहीं लाया, क्योंकि पहले दिखा नहीं रहा था, अब थोड़ी थोड़ी बारिश दिखा रहा था, मैं नहीं चाहता मैं भीग जाऊं, तो इसलिए मैं सीधा घर जाऊंगा, बाल वाल भी कल कटवाएंगे, ग्रोसरी अब मैं सोच रहा हूं सीधे फ्राइडे को ली जाए, कि अभी मेरी ट्रेन है 4 मिनट बाद, और फिर मेरे को यहां से पियर्स स्टेशन उतरना है, पियर्स स्टेशन से मैं दूसरी ट्रेन पकड़, तो मेरे को टोटल ओवरऑल लगता है यहां से 1 घंटा लगता है, आते हुए 45 मिनट लगते हैं, क्योंकि 45 मिनट इसलिए लगती है क्योंकि ट्रेन सब टाइम पे होती है उस टाइम। चलो मिलते हैं आप।